हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट बाय पैशन में। फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर डिज़ाइन। डिज़ाइन में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डिज़ाइन एंड अलंकारिक डिज़ाइन। सो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में मोल्ड करके क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस नहीं भी पूछे जा सकते। सो आप बड़े ध्यान के साथ पेपर की तैयारी करें। डिजाइन, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्पेस विद डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल composed in a beautiful manner is called design. So design basically होता क्या है, इसमें different different तरह की lines, objects को use करके हम कोई भी हम art create करते हैं तो वो design कहलाता है. The word design has been derived from the word design, which means the idea represented by visible lines. A plan intended to be carried out for decorating the space. The design may be defined in the arrangement of the lines, giving the pleasing effect and material used so that principles of proportions, balance and rhythm are observed. So now we will discuss our next page. The design is the repetition of the same from again and again to give out the sense of unity. ठीक है फ्रेंड्स, डिजाइन में वो कोई भी हम पैटर्न जो भी हम बना रहे होते हैं उसको हम अगेन एंड अगेन बनाते हैं. जैसे कुछ भी, जैसे कोई भी फ्लावर ले लिया, उसको हमने दोबारा से ड्रॉ कर लिया, तो वैसे करके डिजाइन जो है वो क्रिएट होता जाता है. ठीक है, आगे है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ डिजाइन एज सेंटर डिजाइन, बॉर्डर डिजाइन, बेबी प्रिंट्स, फ्लोरल डिजाइन एटसेट्रा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिजाइन. द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन आर एज फॉलोज. अब डिजाइन को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, इसमें सबसे पहले जो डिजाइन है उसकी हम बात करेंगे, वो आ जाता है नेचुरल डिजाइन. नाउ व्हाट इज नेचुरल डिजाइन? Natural designs are those designs which are made up of the combinations of or use of various natural forms and figures. For example, flowers, leaves, birds and animals, etc. So these are our natural design. In such type of design, we almost draw a blueprint of natural things and used them in our designs. इसमें हम जो natural objects हैं उन्हीं को draw करते हैं, जैसे flowers हो गए, leaves हो गए, sky हो गया, birds हो गए, ना जो भी nature के साथ related है वो सब हम design draw करते हैं, तो that is natural designs. These designs are widely used. ये जो designs है बहुत ज़्यादा हम use में लेके आते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिजाइन. नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन? दीज डिजाइन्स आर बेस्ड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस अप्लाइज ईदर टू द इटसेल्फ और ए ड्राइंग ऑफ इट सेट आउट ऑन पेपर. नेक्स्ट वन इज डेकोरेटिव डिजाइन्स. नाम से क्लियर हो जाता है, decorative designs means that is related with decoration.
टू मेक द स्ट्रक्चरल डिजाइन डेकोरेटिव विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्नामेंट्स। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स यूज करके डिजाइन को डेकोरेट बनाते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ अप्लाइंग ऑर्नामेंट्स। इन द फर्स्ट इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कलर अपॉन ए प्लेन सरफेस एज इन कारपेट और नीडल वर्क, पेंटिंग, वुड और मेटल वर्क। बाय द सेकेंड मेथड ऑर्नामेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय रिलीफ एज इन वुड कार्विंग, ज्वेलरी एंड मेटल वर्क। देयर आर टू मेथड्स टू मेक ए डेकोरेटिव डिजाइन। सो इस तरह से डेकोरेटिव डिजाइन के टू मेथड्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक डिजाइन। These designs are based on geometric figures like the use of triangle, rectangle and various lines. It is used for architectural purpose. Next one is वर्णात्मक डिजाइन। वर्णात्मक डिजाइन, दीज डिजाइन्स शो द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। दीज आर वेरी मिनट टाइप्स ऑफ डिजाइन। दीज आर यूज फॉर फर्निशिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल पॉट्स, dresses and carpets etc. So this is all about varnatmik designs. Next one is alankarik designs. These are the designs in which we can show some modified forms of natural designs. These can be used for decoration purpose of clothes and textiles. So this is all about alankarik designs. Abstract design. In this type of design, there is no rule and regulations to be followed. There is no rule of space or form. इसमें space और form का कोई भी rule and regulation नहीं है। These designs are made according to everybody's own choice. इसमें जो आप draw करते हैं वो जो draw करने वाला है उसकी उसकी wish के ऊपर depend करता है कि वो abstract art में क्या draw करने जा रहा है, whether it is painting, landscape, it can be anything you want to draw. So this is all about design. I hope friends आपको ये वाला topic जो हमारा next lecture है design अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं next video में। Stay safe, stay blessed.